अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ साइकाइट्रिक क्लिनिक में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में, जिसमें हम सब को कभी ना कभी इसका सामना रहता है। हर दूसरे तीसरे बंदे को कभी ना कभी ज़िंदगी में इसका सामना रहता है। मैं बात कर रही हूँ हेडेक की। इसमें जो कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है वो टेंशन टाइप हेडेक होती है या टेंशन हेडेक कहलाती है। थोड़ा सा इसकी अलामत पे बात करेंगे। टेंशन हेडेक में माइल्ड से मॉडरेट पेन होती है, आपके सर में पेन होती है, और अक्सर लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये बैंड की तरह पेन है, जैसे आपके फोरहेड पे किसी ने एक बैंड कस के बांध दिया है, तो ये उस तरह की पेन होती है। समटाइम ये साइड्स पे भी जाती है, पूरे सर में भी जा सकती है, कंधों में स्टिफनेस हो सकती है, गर्दन में स्टिफनेस हो सकती है। इसके साथ साथ अगर इसकी टाइप्स पे बात की जाए तो ये दो तरह की हो सकती है, एक एपिसोडिक होती है और एक क्रॉनिक होती है। एपिसोडिक जैसे नाम से जाहिर है कि ये एपिसोड्स में होती है। मिनिमम इसकी एपिसोड आधे घंटे तक रह सकती है और मैक्सिमम हफ्ते तक भी चल सकती है, और कुछ लोगों में 15 दिन तक भी इसकी मैक्सिमम एपिसोड चल सकती है। जो क्रॉनिक हेडेक है वो 15 दिन से अगर हेडेक ज़्यादा चले, कंटिन्यूस रहे, बिल्कुल भी ठीक ना हो, तो वो क्रॉनिक हेडेक कहलाती है। यहाँ पे इस हेडेक को, टेंशन टाइप हेडेक को, माइग्रेन की हेडेक से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। माइग्रेन की हेडेक, जिसे दर्द शकीका भी कहा जाता है, वो भी एक कॉमन हेडेक है, लेकिन वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों में टेंशन हेडेक भी होती है और साथ साथ में उनको माइग्रेन की हेडेक भी होती है। तो एक प्रोफेशनल आफ्टर डिटेल्ड हिस्ट्री एंड असेसमेंट ही बता सकता है कि ये किस तरह की हेडेक है, लेकिन थोड़े से इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। जैसे अगर किसी को माइग्रेन की हेडेक है तो उसमें उसको साथ साथ उल्टी और मतली की कैफियत भी हो रही होती है, और माइग्रेन की हेडेक नॉर्मली जो है स्ट्रेस से या फिज़िकल एक्टिविटी से बढ़ जाती है, जबकि जो टेंशन टाइप हेडेक होती है इसको फिज़िकल एक्टिविटी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करती। और जो टेंशन टाइप हेडेक होती है इसमें इंसान किसी भी नॉइज से, किसी भी आवाज़ से ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है, लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है, जबकि माइग्रेन में ऐसा नहीं होता। ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, अलबत्ता एक प्रोफेशनल डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद ही बेहतर तौर पे बता सकता है कि ये टेंशन हेडेक है या माइग्रेन की हेडेक है। हमने अभी बात की कि हेडेक किन कॉमन वजूहात की वजह से होती है, लेकिन सर दर्द की कुछ इमरजेंसी वजूहात भी हो सकती हैं। उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको फौरन किसी इमरजेंसी में जाना है और फौरन हेल्प लेनी है। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा सर में दर्द स्टार्ट हो गई है, या सर में दर्द के साथ आपको बुखार है, आपकी ओरिएंटेशन ख़राब हो गई है, आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, यानी आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, आप प्रॉपर अलर्ट नहीं हैं, साथ में अगर आपके नेक के मसल्स में स्टिफनेस आ गई है, साथ में अगर कोई दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, आपको दो दो लोग नज़र आ रहे हैं, बॉडी की वीकनेस हो गई है, या जिस्म का कोई हिस्सा सुन होना शुरू हो गया है, बोलने में मुश्किल आ रही है, तो अगर साथ में सर दर्द के ये सब चीज़ें भी हो रही हैं तो आपको फौरन इमरजेंसी में दिखाना है किसी प्रोफेशनल को, ताकि रूल आउट हो सके कि ये किस वजह से हो रहा है। जैसे मैंने बात की सर दर्द की कॉमन कॉजेज, टेंशन हेडेक हो सकती है या माइग्रेन हो सकती है। टेंशन हेडेक अगर देखा जाए किस वजह से होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है ये टेंशन या स्ट्रेस की वजह से होती है। इसमें इंसान की पेन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है पेन के लिए, और उसको थोड़े से ट्रिगरिंग फैक्टर पर भी उसको सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, और वो या एपिसोडिक हो सकती है या फिर कंटिन्यूस रहती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको एड्रेस ना किया जाए, तो इसमें इंसान की जो फंक्शनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। वो काम काज उस तरह नहीं कर सकता, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, किसी जॉब पे जा रहा है तो वहाँ पे वो उस तरह एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता जैसे वो पहले कर रहा था। अब बात करेंगे अगर आपको सर में दर्द है, मुसलसल रह रही है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने कस के आपके सर पे बैंड बांधा हुआ है, टेंशन टाइप की हेडेक है, तो आपको क्या करना है।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं जिससे हेडेक में बेहतरी आ जाती है। इसमें अगर आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उससे हेडेक में बहुत बेहतरी आ जाती है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है और वो आपकी हेडेक में सिग्निफिकेंट बेहतरी ला सकता है। फिर इसके साथ कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, गहरे लंबे सांस लेने होते हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूम चाहिए तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरह आपने गहरे लंबे सांस लेने हैं। गहरे लंबे सांस लेने से भी हेडेक में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। फिर योगा या मेडिटेशन अगर आप रेगुलर करें तो उससे भी सरदर्द में बेहतरी आती है। फिर एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको एक प्रोफेशनल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि वो आपने किस तरह करनी है, उससे भी हेडेक में बेहतरी आती है। मज़ीद जो आप अपने तौर पर जिन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं उसमें नींद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद मुनासिब मकदार में ना पूरी हुई हो तो ये हेडेक की वजह बन सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम कीजिए, क्योंकि ये भी आपके सर में दर्द को बढ़ा सकता है। इसके अलावा डाइटरी हैबिट्स आपने अपनी हेल्दी करनी है, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड बंद करना है, फिजी ड्रिंक्स नहीं लेने, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, घर का बना सादा खाना खाना है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाना है। फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, 8 से 10 ग्लास पानी पीना है आपने। अगर आप किसी भी किस्म की नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कम करने की तरफ आना है ताकि आपके जो सर में दर्द हो रही है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें होती है जिससे सर में दर्द बेहतर हो सकती है, जैसे अगर आपके सर में दर्द है और उसके साथ आपके पट्ठों में भी खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप कुछ हीट पैक्स होते हैं या कोल्ड पैक्स होते हैं जो आप मुनासिब समझें वो आप थोड़ी देर के लिए रखें तो उसमें मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। फिर मसाज थेरेपी होती है, अगर आप मसाज करवा लें तो उससे भी सर में दर्द बेहतर हो जाती है। सर का हल्का हल्का मसाज, गर्दन के पट्ठों का मसाज, शोल्डर्स का मसाज, ये भी आपके सर में दर्द में बेहतरी लाता है। अगर इसके बावजूद भी आपको सर में दर्द रहती है, मुसलसल रहती है और इसके साथ साथ नींद और भूख के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, आपके काम काज इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं रही जो पहले थी, तो ज़रूरी है कि आप किसी माहिर मिराज नफ्सियात को दिखाएं ताकि रूल आउट हो सके कि समटाइम्स स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो फिज़िकल सिम्टम्स की सूरत में आ रहा होता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी साथ में को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को एक माहिर मिराज नफ्सियात आफ्टर डिटेल हिस्ट्री और असेसमेंट बता सकता है कि आया साथ में डिप्रेशन या एंग्जाइटी के इश्यूज चल रहे हैं कि नहीं और वो हेडेक की वजह बन रहे हैं, तो इन चीज़ों को साथ में एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इस बारे में मज़ीद मालूम चाहिए तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।